दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभा नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, जो कि घंटी की जगह आप लगा सकते हैं, जो घंटी आपके जो है पानी की टंकी भर जाने पे बोलती है। इसमें क्या होगा, आपका बोलेगा नहीं और पानी की टंकी भरने पे जो है मोटर को बंद कर देगा। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लगाया था, कुछ व्यूअर्स कर रहे थे सर आप उसको जो है कंप्लीट कंपोनेंट भर के सब करके दिखाइए और उसका सर्किट डायग्राम हमें दीजिए। तो दोस्तों इसीलिए आज हमने सोचा कि जो है सबको कितने लोग को सर्किट डायग्राम देंगे, आज मैं कंप्लीट वीडियो बना देता हूं जिसमें पीसीबी कंपोनेंट सबको दिखा दूंगा, उसकी वायरिंग भी आपको दिखा दूंगा और चला के भी दिखा देंगे कि कैसा काम कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना समय को व्यतीत किए। दोस्तों ये पीसीबी है और इस पीसीबी में मैंने कुछ होल्स बढ़ाए हैं और एक आठ ट्रैक काटे हैं, क्योंकि मैंने जो पहले आपको वीडियो दिया था वो उसी का है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, दो ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं जिससे रिपल्स को ख़त्म कर सके। जो पानी भरता टंकी में तो जो लहर आती है तो उस लहर में क्या होता है, कभी कभी जो है आपकी मोटर बंद होने की कोशिश करेगी फिर ऑन हो जाएगी, खट खट करती है, उससे क्या होगा जो आपकी मोटर है वो भी हो सकता है ख़राब हो सकती हो। तो उस प्रॉब्लम को हमने इसमें दूर कर दिया है, इसके लिए हमने जो है आपके दो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। तो ये आपकी पीसीबी हो गई, इसमें जो कंपोनेंट लगेंगे मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये दो देखिए डायोड हैं 4007, ये दो कैपेसिटर हैं, एक 220 mFD 40 वोल्ट का है और दूसरा जो है 47 mFD 25 वोल्ट का है। ये दो 1K का रेजिस्टेंस हैं, ये 22K के जो है तीन रेजिस्टेंस हैं, ये 22 ओम के जो है दो रेजिस्टेंस हैं। ये दो LED हैं, एक इसमें रेड है एक ग्रीन है, एक मोटर ऑन को दर्शाएगी, दूसरी जो है आपको बताएगी कि हाँ इस प्लेट की पावर सप्लाई सही है। और ये दो देखिए ट्रांजिस्टर हैं, एक BC547 है एक BC557 है और एक ये 10K का रेजिस्टेंस है, एक ये पुश टू ऑन बटन है, दो ये 12 वोल्ट की रिले हैं, एक होल्डिंग के लिए है और एक सर्किट में जो है जब टंकी में पानी भर जाएगा तो उसको सेंस करने के लिए है। और आप जो है मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से रिले को चूज़ कर सकते हैं, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने 5 एम्पेयर की जो मेरे पास अभी रिले थी उसी पर वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ये आप अपने हिसाब से जैसी भी चाहें वैसी पावर रिले यूज़ कर सकते हैं। ये भी 12 वोल्ट की है, इसमें तीनों रिले जो हैं 12 वोल्ट की हैं और ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है जो कि पीसीबी को सप्लाई देगा, ये 1212 का है। तो ये पूरा इसमें जो सामान लगेगा वो मैंने आपको पूरा शो कर दिया है, ये सारे कंपोनेंट जो है इसमें यूज़ होंगे इसको बनाने में। कैबिनेट इसके अलावा लगेगा लेकिन मैं आपको कैबिनेट नहीं यूज़ करके दिखाऊंगा, मैं आपको केवल एक डेमो बना रहा हूँ और आप अपने हिसाब से कैबिनेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब कंपोनेंट को फिल करते हैं। ये डायोड मैं यूज़ कर रहा हूँ पावर के लिए, ये वैसे तो ये ब्रिज बना हुआ है लेकिन मैं इसमें सेंटर टैप बनाऊँगा। तो ये मैंने दो इसमें डायोड ये लगा दिए, ये दो डायोड हो गए आपके। दोस्तों ये रेजिस्टेंस आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी यूज़ करें, इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं करंट लिमिटिंग के लिए लगा रहा हूँ और ये मैंने शुरू में नहीं लगाया था लेकिन मैंने सोचा कि चलिए करंट लिमिटिंग कर दे, इससे क्या होगा रिले वगैरह की और सर्किट की सेफ्टी रहेगी। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसको यूज़ करें और ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखिए मैंने लगा दिया, दोस्तों ये दो रेजिस्टेंस जो है मैंने इंडिकेशन के लिए रखे हैं, ये दो LEDs हैं, इसको मैं बाद में लगाऊंगा और चलिए मैं इसको पहले सोल्ड कर लेता हूँ।
दोस्तों सोल्डरिंग कंप्लीट हो गई है रेजिस्टेंस और ये डायोड्स की, मैं अब इसको कटिंग कर रहा हूँ। ये दोस्तों सप्लाई को फिल्टर करने के लिए हम कंडेंसर लगा रहा हूँ। ये देखिए इसका पॉजिटिव है और ये ग्राउंड है, तो कंडेंसर लगाते टाइम थोड़ा आप सावधानी बरतिएगा कि उल्टी पोलैरिटी में ना लगे, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। दोस्तों ये हम जम्फर लगा रहे हैं यहाँ पे, जो कि रिले के पीसीबी के नीचे है, तो इसलिए इसको पहले ही मैं लगा देता हूँ। इसके ऊपर से रिले लगा देंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी और फिर आप जो है बोलेंगे कि वीडियो में जो है कुछ पता ही नहीं चल रहा, और आप लोग के ही कमेंट्स थे कि पूरा उसको जो है पूरा हमें दिखाइए कैसे क्या करते हैं, और आप लोग की रिक्वेस्ट पे ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये दोस्तों इसकी पास्टिल वीड मैंने कट किया है इस एलईडी की, और इसका भी मैं ये फास्ट स्पीड को थोड़ा कट करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस लगाऊँगा। ये मेरा 1K का रेजिस्टेंस है। दोस्तों इसमें एलईडी में जो है पॉजिटिव और निगेटिव लीड कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी मैंने कंपोनेंट टेस्टिंग का वीडियो बनाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं। फिर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, जो लीड लंबी होती है वो पॉजिटिव होती है आपकी एनोड, और जो लीड छोटी होती है वो निगेटिव होती है। लेकिन अगर दोनों लीड को किसी ने काट दिया तब कैसे पता करेंगे, वो भी बिना मीटर के, वो भी मैंने आपको मल्टीमीटर वाली टेस्टिंग वाली वीडियो में बताया है एलईडी का, आप वहाँ से जाके उसको चेक करके कमेंट करिए कैसे बताएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरा वीडियो प्रॉपरली देखते हैं कि नहीं देखते हैं। वीडियो का लिंक आपको जो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये पावर के लिए एलईडी लगा रहा हूँ, जिससे कि जो है पावर जब रहेगा तो एलईडी जलेगी, और इस पीसीबी की आप टेस्टिंग भी आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, तो वीडियो का आप ध्यान से देखिए। ये दोस्तों पावर ऑन मोटर के पावर ऑन के लिए एलईडी है, इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब दोस्तों सर्किट को टेस्ट करते हैं। पहले अभी होल्डिंग को मैं नहीं बनाऊंगा, सीधे पहले चेक करते हैं सर्किट हमारा काम कैसे कर रहा है और कैसे हम टेस्ट करेंगे, और बाद में आपको होल्डिंग बना के मैं दिखाता हूँ उसको, क्योंकि अभी इस तरह से यूज़ करेंगे आपको क्या होगा, तो बार बार जैसे क्या होगा मोटर आपकी कट होगी और थोड़ा ही वाटर लेवल डाउन होगा तो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले पीसीबी देख लेते हैं हमारी काम कर रही है कि नहीं, जिसके लिए हम लोगों ने इसको भरा है पूरा। तो मैं ये देखिए इसका सप्लाई है 12012 की, ये बीच वाला सेंटर टाइप का है, तो इसको हम यहाँ जोड़ेंगे। मैं अभी पीछे से कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर को मेंस में देता हूँ, इसके लिए मैं वायर यूज़ कर लेता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ। दोस्तों ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, लेकिन शुरू में मिस्टेक हो गया था, असल में ये
पीसीबी ब्रिज रेक्टिफायर के हिसाब से बनी हुई है। मैंने इसका सेंटर टाइप यूज़ किया था तो निगेटिव वाले पॉइंट पर डायोड लग गया था, इसलिए निगेटिव सप्लाई बना रहा था। तो मैंने क्या किया, उन डायोडों को हटा करके पॉजिटिव साइड वाला यूज़ कर लिया है। अगर किसी को ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टाइप में समझना हो अंतर क्या होता है, कैसा होता है, तो वो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तब। तो मैंने इसमें देखिए दूसरी जगह पे डायोड की पोजीशन बदल दी है और अब पावर इसको देते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए मैंने ये पावर दिया, ये देखिए मोटर ऑन की LED जल गई, पावर भी जल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ये है, ये टैंक को जाएगा ये पॉइंट, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। देखिए देखिए शॉर्ट किया, देखिए पावर की जल रही है और मोटर कट वाली बंद हो गई है। अब मैं इसको छोड़ूंगा भी तो देखिए थोड़ी देर तक ये मोटर ऑन नहीं होगी। अब ये दोबारा ऑन हुई क्योंकि ये हमने रिपल्स को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ किया है। तो इसमें दोस्तों होल्डिंग नहीं है। अब मैं होल्डिंग आपको ऐड करके तब दिखाता हूँ। होल्डिंग से ये होगा कि एक बार आपकी मोटर ऑन होगी और दोबारा जब टंकी भर जाएगी तो फिर वो कट हो जाएगी और उस पूरे इस सर्किट में भी कहीं करंट नहीं रहेगा और आपका जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा। दूसरा क्या होगा, ये लेवल कम होने पे दोबारा ऑन अपने आप से नहीं होगा। तो चलिए मैं अब होल्डिंग आपको बना के दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए मैंने पूरा कनेक्शन होल्डिंग का बना दिया है। ये दो तार हैं, ये टैंक के हैं, ये देखिए ये रखे हुए हैं, मैं अभी चेक करके दिखाऊँगा आपको। और ये देखिए ये फेज़ न्यूट्रल आया है, ये मेरा फेज़ है और ये मेरा न्यूट्रल है। ट्रांसफार्मर को देखिए मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है और फेज़ जो है देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे आया है इस रिले पे, और इसी रिले के यहाँ इस दोनों पॉइंट पे स्विच भी लगा हुआ होल्डिंग के लिए, जो है जो हमें स्टार्ट करने पे टाइम ये मैं प्रेस करूँगा तो ऑन होगा। और यहीं पर देखिए ट्रांसफार्मर का एक दूसरा सिरा भी है, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया उसमें इसका पूरा सर्किट डायग्राम का डिटेल है, ये कैसे ये सब कनेक्ट है। और देखिए जहाँ पर आउटपुट LED लगी थी उसी के पैरेलल में देखिए ये रिले की कॉइल लगी हुई है और ये मैंने मोटर की जगह बल्ब को यूज़ किया है। तो मैं चलिए अब इसको ऑन करता हूँ। देखिए मैंने ये पावर दिया, ये देखिए ऑन नहीं हुआ आपका, ठीक है। जैसे मैं देखिए इस पुश बटन को प्रेस करूँगा देखिए ये ऑन हो जाएगा देखिए, और आपको देखिए ये जैसे ये टच होगा वैसे देखिए बंद हो गया। मैं अब इसको पानी पे करके दिखाता हूँ कि पानी एक गिलास पानी लेकर कैसे काम करेगा। तो मैं चलिए इसको पलट भी देता हूँ जिससे कि आपको इधर भी दिखाई पड़ेगा। ये दोस्तों देखिए मैंने एक गिलास पानी रख लिया है और एक सेंसर को इसमें परमानेंट डाल दिया हूँ, ठीक है, और दूसरा मेरा बाहर है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और जैसे देखिए इसको दबाऊंगा, ये देखिए आपका जल गया, और जैसे ये देखिए इसको टच करेगा देखिए वैसे ये बंद हो गया। अब ये देखिए दोस्तों देखिए जैसे ये दोनों सेंसर पानी में है तो क्या होगा, अब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये देखिए ऑन नहीं हो रहा। देखिए पावर वाली तो जल रही है लेकिन मोटर ऑन नहीं हो रही है क्योंकि आपका जो है दोनों सेंसर आपके पानी में टच हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, आप देखिए ये ऑफ होने पे ना तो इस ट्रांसफार्मर के आपके आउटपुट में से कोई सप्लाई जा रही, पूरा सर्किट आपका डेड है, कहीं भी कोई कंजम्पशन नहीं है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो आपके मार्केट में घंटी मिलती है उसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं और बड़े आराम से ट्रबल फ्री चला सकते हैं। चलिए मैं एक बार बाहर निकाला हूँ, देखिए दोबारा ऑन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए दोबारा ऑन करेंगे, देखिए ऑन हो गया, जैसे टच होगा वैसे ये देखिए ऑफ हो गया। तो दोस्तों सर्किट एकदम अच्छे से काम कर रहा है, इसको आप बनाइए और अपने घर में लगाइए और कमेंट करिए कैसा आपको पसंद आया कि नहीं आया, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने जो है अपना कीमती समय हमको दिया और हमारे ये वीडियो देखा।